गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, हमारा अलजेब्रा का नेक्स्ट सम हम करेंगे। अभी हमने ऑल टुगेदर अभी आई थिंक दो सम्स किए हैं, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट सम, थोड़ा बारिश की वजह से आसपास का थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है और सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट दैट देर शुड नॉट बी एनी साउंड, बट आई एम हेल्पलेस। आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि ये साउंड हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और हमको कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे जाके मैं बोल तो नहीं सकती कि भाई मेरा क्लास चल रहा है आप बंद करो। तो इसके लिए सो ओनली वन थिंग वी कैन डू दैट वी कैन कोऑपरेट, वी कैन एडजस्ट। सो होप यू विल एडजस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू टेन, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सेवन। ये दो सम्स, दो इक्वेशंस है। तो हमारा सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। पहला फर्स्ट इक्वेशन लिखा x प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टेन, एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टेन। ये इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर वन दिया, इक्वेशन नंबर वन। और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन हमने लिखा 3x माइनस टू वाई इक्वल्स सेवन, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा काम है एलिमिनेशन। ये कौन सा मेथड हम कर रहा है? एलिमिनेशन मेथड से कर रहा है। और भी और मेथड्स बहुत सारे हैं हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और भी मेथड्स है, बट पहला हम जो करने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड है। जो दो सम हमने किया वो भी एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुप में से किसी एक को निकालना, एलिमिनेशन है निकालना, निकालना यानी उसको अवॉइड करना। अभी हमारे पास दो एक वेरिएबल्स है, एक्स है और वाई है। ये दोनों में से कोई एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। यानी सपोज अगर हमने एक्स को एलिमिनेट किया तो हमें वाई का वैल्यू मिलेगा। फिर वाई का वैल्यू इक्वेशन में, कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। इसी तरह अगर वाई का वैल्यू अगर हम एलिमिनेट करोगे तो हमको एक्स का वैल्यू मिलेगा। वाई को एलिमिनेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा, उसको सब्स्टिट्यूट करो फिर वापस वाई मिल जाएगा। आवाज़ बढ़ते जा रही है, क्या करें, ठीक है। तो हमें एलिमिनेशन करना है। ये जो एक्स है, एक्स के साथ इधर कोएफिशिएंट क्या है आप चेक करो। कोएफिशिएंट वन है, इधर नंबर कुछ नहीं है, इसका मतलब वन कोएफिशिएंट है। एक्स का कोएफिशिएंट वन हुआ, ये एक्स का कोएफिशिएंट थ्री हुआ। यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट वन है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट वन है, थ्री है। दोनों कोएफिशिएंट सेम नहीं है, इसीलिए हम इसे एलिमिनेट नहीं कर सकता। एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए। तो हम किधर आया? इस पे आए, सेवन वाई पे आया। वाई का कोएफिशिएंट सेवन है, वाई का कोएफिशिएंट टू है। यहाँ पर भी दोनों कोएफिशिएंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये वाई को भी हम एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? एक फिर हम डिसाइड करेंगे कि किसको एलिमिनेट करना है। ज़बरदस्ती हम एलिमिनेट करेंगे, एक्स है और वाई है। तो एक्स के यहाँ पर जो नंबर है उसका कोएफिशिएंट है वन है, तो वन को और ये थ्री को हम सेम बना सकते हैं। यानी वन और थ्री, इन दोनों को सेम बनाने का है। सेम बनाओगे तो ये एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये वन को और थ्री को कैसा एलिमिनेट करेंगे, कैसा सेम बनाएंगे, पहला देखते हैं। वन है हमारे पास और थ्री है हमारे पास। ये वन का टेबल में वन वन ज़ा वन, वन टू ज़ा एक, एक्चुअली ये छोटे बच्चों के जैसा मैं बता रही हूँ, छोटे बच्चों को बताने जैसा, फिर भी देख लो। वन के वन, वन टू ज़ा टू, वन थ्री ज़ा थ्री, इस तरह वन का टेबल जाएगा। वन फोर ज़ा फोर वगैरह, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ऐसा थ्री का टेबल जा रहा है। ये पूरा थ्री का टेबल जा रहा है, ये पूरा वन का टेबल जा रहा है। ये टेबल में और ये टेबल में पहला, सबसे पहला सेम नंबर कौन सा आया? वन इधर आया, नहीं आया। टू आया, नहीं आया। थ्री दोनों जगह में है, तो हम क्या बनाएंगे? दोनों नंबर के बदले थ्री बनाएंगे। बच्चों आई एम रियली सॉरी, चारों तरफ से आवाज़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, ठीक है। प्लीज़ कोऑपरेट, आपको अगर सुनाई नहीं देता तो आई विल डू इट अगेन, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करें, ठीक है। तो हमने थ्री बनाने का डिसाइड किया, यानी कि ये थ्री ऑलरेडी है तो इसको कुछ करना ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर वन है, वन को भी हमें थ्री बनाने का है। वन के टेबल में कब आता है थ्री? वन वन ज़ा वन, वन टू ज़ा टू, वन थ्री ज़ा, यानी यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री वन ज़ार इधर थ्री हो जाएगा।
यानी को अगर सिर्फ हम x को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा इक्वेशन का वैल्यू बदल जाएगा। तो हमें पूरे के पूरे फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 × 3 3x बन जाएगा। 7 को भी किससे इंटू करना है, 3 से, 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 21y। इसको इंटू करेंगे 3 से तो 3 × 10 = 30 हो जाएगा। तो वैसा ये पूरे इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर 3x होगा, नीचे तो ऑलरेडी 3x है, आए समझ में। तो अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये दोनों कोएफिशिएंट को सेम करना है। अगर सपोज समझो कि आपको ये x को सेम करके उसको एलिमिनेट नहीं करना, आपको ये x से बहुत प्यार है और आप चाहते हैं कि नहीं y पहले एलिमिनेट हो जाए, मेरा x वैसे ही रहने दो, कोई इश्यू नहीं। हम क्या कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, पर y का जो कोएफिशिएंट है उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें सेम करना पड़ेगा। तो 7 है यहाँ पर कोएफिशिएंट और यहाँ पर 2 है, दोनों को सेम करना है। तो सेम करने के लिए आप क्या करो, इसी तरह आप सोचो 7 के टेबल, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, ओके इतना लिखा फिलहाल। और 2 का टेबल आप लिखो 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, चेक कर लेना इधर कोई सेम आ रहा है तो रुक जाना। 2 × 3 = 6 आया सेम, नहीं, 2 × 4 = 8 नहीं आया, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 नहीं आया, 2 × 7 = 14 आया, ये देखो इधर 14 है, इसमें भी 14 आया। तो हम ये दोनों को, ये जो चीज़ें, इधर भी 14 बनाएंगे, इधर भी 14 बनाएंगे, समझ रहे, ये 7 को भी 14 बनाएंगे, 2 को भी 14 बनाएंगे। 7 के टेबल में कब आता है 14, 7 × 1 = 7, 2 = 2, तो क्या करेंगे, 2 से इसको इंटू करेंगे, कौन से इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू करेंगे तो ये 7 × 2 = 14 होएगा। सेकेंड इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन को 1 × 2 = 4, 2 × 3 = 2, 4 × 2 = 5 × 2 = 6 × 2 = 7, 2 के टेबल में 7 करोगे तो 14 मिलेगा, यानी ये वाले इक्वेशन को 7 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये 2 × 7 = 14, इसको 2 से इंटू किया 7 × 2 = 2, ये 7 से इंटू किया 2 × 7 = 14, ऐसा ये भी 14 बनेगा, ये भी 14 बनेगा, कुछ तो समझ में आया है। तो अगर ऐसा आप सोचोगे तो आप जिद नहीं लेना कि हम, मुझे y को सेम करना है, y को एलिमिनेट करना है, x रहने दो, क्योंकि हमारा काम है जितना जल्दी हो सके, जितना आसानी से हो सके उसे काम करके ख़त्म करना। आप अगर y को एलिमिनेट करने के चक्कर में पड़ोगे तो क्या होएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करो 14 बनाओ, इसको भी मल्टीप्लाई करो 14 बनाओ, है ना, फिर बाद में उसको कैलकुलेशन करके उसको एलिमिनेट करो, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया ना। वो जगह में अगर आप देखोगे तो ये देखो 3x है और यहाँ पे एक 3 से इंटू करोगे तो 3x ये भी बन जाएगा, तो हम आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकता है, बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, मतलब y को एलिमिनेट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम किसको एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। तो डिसाइड किए कि हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे इंटू कर रहे हैं, 3 से, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय कौन से नंबर से, 3 से, 3 का टेबल में ये काउंट करेंगे, 3 × 1 = 1, इधर 1 है, 3 × 1 = 3, और क्या अल्फाबेट है, वेरिएबल x, प्लस डाला 3 × 7 = 21 और वेरिएबल y इक्वल्स, अब ये 3 × 10 = 30, इज इट क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया, थोड़ा कचरा हो गया। तो अभी हम देखो हमारा इक्वेशन नंबर 2 और हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों इक्वेशन को देखो, सेकंड और ये थर्ड को देखो, दोनों में इधर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो x का कोएफिशिएंट सेम होके मिला ना, हमने ये फर्स्ट वाले को ऐसा कन्वर्ट किया, समझ रहे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/30 किया, हो गया। अभी हमारे पास ये दो इक्वेशन है, ओके। तो अभी इसे क्या करेंगे, यहाँ पे 3x है और यहाँ पर भी 3x है, दोनों का सिंबल देखो, साइन देखो, साइन देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा, क्योंकि इसका साइन उल्टा नहीं है, उल्टा होता तो ही कैंसिल होएंगे ना बच्चा,
उल्टा करने के लिए हमें ये वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर पॉजिटिव वाला साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन लिया, सब्ट्रैक्टिंग कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम किस में से, सेकंड में से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस तरह किया। ये सब हमारा रफ वर्क किया एक्चुअली, इक्वेशन सेकंड। अभी क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद जो है उसको ऊपर, अभी एक और बात बताना था मैं, मुझे छूट गया वो। अभी ये दोनों कैंसिल तो हो जाएंगे, अभी ये आप देखो माइनस टू वाई है और प्लस ट्वेंटी वाई, ट्वेंटी वन वाई है, कौन सा इक्वेशन ऊपर लिखना है हम यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। ये माइनस ट्वेंटी वन है, ये सॉरी प्लस ट्वेंटी वन है और ये माइनस टू है। आप देखो इन दोनों में रियल वैल्यू किसका ज़्यादा है, पॉजिटिव ट्वेंटी वन का रियल वैल्यू ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन को ऊपर और दूसरा वाला सेकेंड इक्वेशन को नीचे, तो हमारा ये क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड को किस में से, थर्ड में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड को थर्ड में से। तो थर्ड फ्रॉम के बाद जो है वो इक्वेशन ऊपर आएगा, यानी थर्ड इक्वेशन ऊपर आएगा। तो थर्ड इक्वेशन को ऊपर लिखने जा रहा है, हमारा थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 21y इक्वल्स 30। ये थर्ड इक्वेशन है जो हमने बनाए थे, बराबर जस्ट अभी बनाया पीछे मल्टीप्लाई करके। और दूसरा सेकंड इक्वेशन को लिखना है, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो सेकंड इक्वेशन को भी लिखा 3x माइनस 2y इक्वल्स 7। ये दोनों इक्वेशन को लिखा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ देना, वन लाइन का स्पेस छोड़ के आप लाइन खींचना, क्योंकि हमें इधर साइन चेंज करनी है। तो ये 3x बन जाएगा पॉजिटिव वाला है, क्या बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव वाला 2y क्या बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला 7 बन जाएगा नेगेटिव। तो ऐसा हमने सबका साइन चेंज किया। अब आपका कैलकुलेशन करना है, 3x और माइनस 3x क्या हो जाएगा कैंसल, और 21y और इधर 2y, 21y का साइन है पॉजिटिव, 2y का साइन हमने कन्वर्ट करके क्या बनाया पॉजिटिव। तो अभी इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव था पर अभी नहीं है। तो 21y और 2y दोनों का साइन पॉजिटिव है, यानी साइन सेम साइन है, तो हम क्या करते हैं याद है ना, सेम साइन है तो ऐड करते हैं, सेम साइन है तो ऐड करेंगे, सेम साइन है तो ऐड करेंगे, सेम साइन है तो ऐड करेंगे। तो हमें ऐड करना है 21y और 2y, ऐड किया 23y। बड़े का साइन बड़ा ये है, उसका साइन पॉजिटिव, नो नीड ऑफ पुटिंग द पॉजिटिव साइन इन द बिगिनिंग, विदाउट पुटिंग द पॉजिटिव साइन इट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। नाउ इक्वल्स 30 का साइन पॉजिटिव है, 7 का साइन नेगेटिव है। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन डिफरेंट साइंस, क्या करेंगे डिफरेंट साइंस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइंस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 30 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इज 23। नाउ वी हैव टू पुट द साइन ऑफ द बिगर वन, बड़ा, ये दोनों में से बड़ा कौन है, 30 बड़ा है, उसका साइन पॉजिटिव है, सो यू विल पुट द पॉजिटिव साइन हियर, बट नो नीड। ओके, तो इस तरह हमें 23y मिला। ये 23y में से हमें अभी क्या करना है, हमको अभी y सिर्फ निकालना है, ओनली y। तो देयरफॉर y यहाँ पे लिखे, 23 राइट साइड का 23 जो है उसको पहला लिख दिया, और लेफ्ट में 23y था, 23y में से y को हमने लेफ्ट में ही रखा, 23 को राइट में ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है। लेफ्ट में से जब राइट साइड में ले जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिविशन में, अपॉन 23, यानी ये वाला 23 राइट साइड में जाकर अपॉन 23 बना। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 23 के टेबल में 23 कब आता है, 23 वन्स, हमें वाई का वैल्यू मिल गया। ओके, वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन टू द एनी ऑफ द इक्वेशन, सो दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो वाई का वैल्यू मिल गया है तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास अभी कितना इक्वेशन है, वापस एक बार पीछे जाते हैं, कितना इक्वेशन है हमारे पास देखते हैं हम। हमारे पास इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है और इक्वेशन थ्री भी है, तीन इक्वेशन है। इनमें से किसी में भी हम क्या कर सकता, वाई का जो वैल्यू मिला ना वन, वो डाल के दे सकता। इधर देखो ये एक्स सेवन, एक्स सेवन वाई टेन,
इस नंबर बहुत ही सिंपल सिंपल छोटे छोटे, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, 3x हो गया, 2y माइनस साइन भी है, बहुत गड़बड़ है। और यहाँ पर देखो और भी बड़े बड़े नंबर्स है, तो आप बोलो कि कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, सबसे आसान वाला कौन सा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या करेंगे, y का वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा चेंज करते, सब्स्टिट्यूटिंग किसको सब्स्टिट्यूट करना है, y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 1, किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x वैसे ही लिखना पड़ेगा, x इधर लिखा, आगे क्या है प्लस है, उसके बाद क्या है 7y, 7y यानी 7 इंटू y, y का जगह में जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 1, और नेक्स्ट इक्वल्स, इक्वल्स डाले, इक्वल्स के बाद 10, इज इट। तो x का वैल्यू, x को वैसे ही रखा, y का वैल्यू 1 डाला, इक्वेशन बना, x देयरफॉर, ओके आगे जाते हैं हम, x इज इक्वल टू, अभी फाइंड आउट करना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक और स्टेप बाकी है, x प्लस 7 इंटू 1 क्या होता है 7, 7 वन सा 7 इज इक्वल टू 10, ओके। अब हमने क्या किया, हमने x को लेफ्ट साइड में रखा, इक्वल डाले, राइट साइड का 10 को लिखा, नेक्स्ट साइड लेफ्ट साइड का 7 को राइट साइड में ले जाओगे तो क्या बनेगा, प्लस 7 बन जाएगा, माइनस 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 में से 7 गया 3, इज इट क्लियर। नाउ वी हैव टू राइट द फाइनल आंसर, देयरफॉर आंसर है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू, y को क्या मिला था, y का वैल्यू 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। समझ में आया है? अभी आपको और एक डाउट हो सकता है, y का वैल्यू भले हमको पहले मिला, ऐसा है तो फिर हमें y पहले लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर दो वेरिएबल है x और y, तो पहले x का वैल्यू लिखेंगे उसके बाद y, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये x पहले आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसा गिनोगे तो ये x पहले आता है उसके बाद y आता है। अगर a और b दो वेरिएबल्स है तो हम पहले a का वैल्यू लिखेंगे फाइनल आंसर में और नेक्स्ट b का वैल्यू लिखेंगे। अगर समझो m और n हमारा वेरिएबल्स है तो पहला m का वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद n का वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में m पहले आता है, n बाद में आता है। तो होप कि ये सम आपको अच्छा से समझ में आया हो। सो आई विल गिव यू द पिक ऑफ दिस सम इन द व्हाट्सएप सो दैट यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन। ओके बाय।